एक बात और याद रखना सुनो, तुम्हें देना है नीट बेटा, ठीक है? स्कूल एग्जाम तो तुम दे ही दोगे, मुझे भरोसा है सारे बच्चे दे देंगे स्कूल एग्जाम को। तुम यहाँ बैठे हो क्योंकि तुम्हें नीट क्लियर करना है, राइट? और नीट है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पेपर। तो सबसे पहली बात तो किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश मत करना। ये नोशन होता है और ये बात सही भी है कि बॉटनी में काफ़ी सारी चीज़ तुम्हें याद करनी पड़ी। आगे जाकर तुम मुझे बोलोगे मैम कितना गंदे नाम है, कैसे याद करेंगे? हमें तो बॉटनी पढ़ने का मन ही नहीं करता, बॉटनी खोलने का ही मन नहीं करता, कितने गंदे गंदे नाम है। अगर ऐसे देखोगे बेटा तो बॉटनी पढ़ने का मन कभी भी नहीं करेगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम दिमाग पर जोर डालकर करते हो वो दिमाग को अच्छी नहीं लगती और वो उसको पकड़ना पसंद नहीं करता। कभी मूवी देखते हो, कोई गाना सुनते हो ईयरफोन लगा के, कभी दिमाग पर जोर डालते हो कि मुझे तो मूवी रखनी है, मुझे तो गाने के लिरिक्स रखने हैं, चाहे पंजाबी गाना हो या उर्दू गाना हो, मुश्किल से मुश्किल उसमें शब्द हो पर याद हो जाते हैं। क्यों? दो दिन गाना सुनोगे, तीसरे दिन अपने आप गुनगुनाने लग जाओगे। मैंने तो करा नहीं, कभी तुमने भी नहीं करा होगा कि भैया गाने के लिरिक्स जो है कॉपी में लिख के रख रहे हैं। मेरी गलियां गलियां दी गलियां, दो दिन सुन के तीसरे दिन खुद गाते हो ना, क्यों गाते हो? कभी सोचा इसके बारे में? दिमाग ने इंजॉय किया उसको, और जिस चीज़ को दिमाग इंजॉय करता है उसे खुद पर खुद रिटेन कर लेता है। तुम्हें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती यार, याद कर बे, याद कर। तो यही बॉटनी में करना है बेटा, रटने की कोशिश मत करना, बस इंजॉय करो। नामों को भी इंजॉय करो, अटपटे नाम है क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, नामों को इंजॉय करो और सिर्फ सुनो और दिमाग में भरते जाओ और पन्ने पलटते जाओ। आज पढ़ा चैप्टर किसी भी दिन इधर उधर से गुजर रहे हो, बॉटनी की कॉपी निकाली, यू बस नाम में पलट के देख लिए, दिमाग उन्हें बैक लाइब्रेरी से फ्रंट लाइब्रेरी में ले आएगा और तुम्हें खुद पर खुद नाम याद आ जाएगा। तो बॉटनी को बेटा मैं पहले कह रही हूँ, रटने की कोशिश करोगे तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, उसे याद करने की कोशिश करो। जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड इन्जॉय इट, इन्जॉय करो, याद करो, पन्ने पलट पलट के तीन चार दिन के इंटरवल पे देखते रहो अपनी कॉपी को, दिमाग मस्त उसको फीड भी रखेगा और याद भी रखेगा। बैठ के रट्टे मारोगे तो भैया बॉटनी गई हाथ से और पढ़ने का मन नहीं करेगा वो अलग। तो फिर मुझे मत कहना भैया हमारी मैडम ने पका दिया बॉटनी में, यार पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो ये स्ट्रैटेजी ध्यान रखना, और ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि बॉटनी तो भाई रट्टे वाला सब्जेक्ट है। दुनिया में कुछ भी रट्टे वाला नहीं होता बेटा, सब लॉजिकल होता है। एंड दिस बॉटनी एंड जूलॉजी इज द बेसिस ऑफ लाइफ, ये रटो मत, इसको समझो, इसको एंजॉय करो। बायोलॉजी इज द बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है?